लागू इसलिए नहीं होगी, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में, कि लागू ना हो और उसको कानूनी दर्जा ना मिले तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी अगर MSP को लागू नहीं किया तो मैं आपके यहाँ इस माध्यम से, इस जगह से, इस पुण्य धरती से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा लड़ाई होगी और इस बार जोरदार लड़ाई होगी। किसान, इस देश के किसान को आप पराजित नहीं कर सकते हो, उसको आप डरा नहीं सकते हो, चूंकि उसके ईडी नहीं भेज सकते, उसके इनकम टैक्स वाले को नहीं भेज सकते, उसको काहे से डराओगे, वो तो पहले ही फकीर है, उसको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं आपने, तो वो लड़ेगा और MSP लेके रहेगा। MSP लागू इसलिए नहीं होगी, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में, मैं एक दिन, मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ, गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे एक सगी सवरी लड़की मिली गुलदस्ता लिए हुए, मैंने पूछा बेटे आप कहाँ से, उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए, उसने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को जो जहाज के, शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया है और उस गोदाम में सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया है, जब महंगाई होगी तब वो उस गेहूं को निकालेगा, तो ये प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद होंगे, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। और मैं तो ये अपनी जो मेरी मौजूदा पोजीशन है इसको छोड़ने के बाद किसानों की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ूंगा, पूरी तरह से उसमें हिस्सेदारी करूँगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी दिक्कत क्या है, धरना हो रहा है, धरना हो रहा है तो गुजरों के गांव में जाओ तो कहेंगे छोड़ो यार ये तो जाटों का धरना है, ऐसे मत करो। धरने के जो नतीजे निकलेंगे वो सबके लिए निकलेंगे, जाट के लिए भी, गुजर के लिए भी, राजपूत के लिए भी, सब मिल के लड़ना चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसीलिए हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम दक्षिण की तरफ पड़ रहे हैं, अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे बोलते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है, लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है, जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा पूरा जवाब देता हूँ, लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए, कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी, आप सबकी ताकत के बल पर, चाहे जितने राकेट टिकैत टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो कौड़ी का आदमी है, इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने दो बार चुनाव लड़ा, दोनों बार उन्होंने जंग हो गई, इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन अब उनका, इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ
कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, जो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है आज तक एक नए पैसे की। 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.0111% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है, और इसलिए मैं लड़ता हूँ मन से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपके ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी है, अपने यहाँ भी है बेवकूफ पत्रकार भी है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इस तरह से वो उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा